टीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 के पार्ट वन में हमारा पहला प्रश्न है, कवि बाण किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन फर्स्ट है पटना, सेकंड है हजारीबाग, थर्ड है शाहबाद और फोर्थ है चंपारण। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, शाहबाद। कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी जो कि 8 अध्यायों में विभक्त था। प्रथम 3 अध्यायों में बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी और द्वितीय अध्याय के अनुसार बाण भट्ट शाहबाद के प्रीतिकूट नामक गांव के रहने वाले थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। ऑप्शन फर्स्ट है इस्लाम शाह को हराकर, सेकेंड है मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, थर्ड है इब्राहिम शाह को हराकर या फोर्थ है सिकंदर शाह को हराकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, सिकंदर शाह को हराकर। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगल और अफगान के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें अफगान सेना को पूरी तरह पराजित कर सरहिंद की विजय करके हुमायूं ने दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्राप्त किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकंड है लॉर्ड एमहर्स्ट, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी और फोर्थ है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन फर्स्ट है भूपेंद्र नाथ दत्त, सेकंड है सरदार अजीत सिंह, थर्ड है लाला हरदयाल या फोर्थ है गणेश सावरकर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके बाद हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, सेकेंड है कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 या चौथा है इलाहाबाद अधिवेशन 1930। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, लाहौर अधिवेशन 1929 में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी के अंतर्गत कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन फर्स्ट है शेर शाह, सेकंड है अलाउद्दीन हुसैन शाह, थर्ड है इब्राहिम लोदी और फोर्थ है अकबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शेर शाह ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां या फोर्थ है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्य था और अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर कभी अधिकार नहीं कर सके थे, अतः अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जहांगीर ने 1616 से लेकर 1614 तक अनेक अभियान किए। अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना को सफलता मिली और मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया? ऑप्शन फर्स्ट है गुरु तेग बहादुर, सेकंड है गुरु हरगोविंद, थर्ड है गुरु अर्जुन देव, फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुरु अर्जुन देव। खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना दिया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, अर्जुन देव ने अतः उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है हुमायूं, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां या फोर्थ है औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, औरंगजेब। सामूगढ़ की विजय के बाद आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की, किंतु खजवा और देवराय की युद्ध में क्रमशः सुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद उसने अपना पुनः विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 को
संपन्न कराया। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां, फोर्थ है औरंगजेब। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, शाहजहां। शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना के किनारे 1639 में शाहजहांबाद नगर की स्थापना की। यहाँ उसने लाल किले का निर्माण करा और इसमें रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास बहुत प्रसिद्ध इमारतें हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।